पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए अंतिम दिन है प्रचार का और दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। मंत्री से लेकर संतरी तक तृणमूल कांग्रेस से हैं, तो वहीं दूसरी ओर हर नेता बीजेपी का उतरा हुआ है इस विधानसभा के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं शोभनदेव चट्टोपाध्याय, मंत्री हैं इस समय, आप ही की विधानसभा सीट थी इस समय दीदी, इस पर चुनाव लड़ रही हैं, कैसे देखते हैं और क्या ये लड़ाई इतनी तगड़ी है जिस तरह से दोनों पार्टी कैंपेन कर रही हैं? देखिए, इस लड़ाई में जो लड़ाई होता है ममता बनर्जी के साथ बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो मैचिंग नहीं होता है। ममता बनर्जी आज हिंदुस्तान के एक लीडर बन गया, उसको साथ जो लड़ाई होता है आम जनता भवानीपुर को समझ गया किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। एक बार 2021 में सारे हिंदुस्तान के सभी लीडर लोग आया था, फिर भी पश्चिम बंगाल में ममता जी को रथ नहीं रोक नहीं सका है। इस बार ऐसा कोई नहीं है, 70-80-100 जितना भी वो आ सकता है, लेकिन ममता बनर्जी भारी मतों से जीतेगा, इसमें कोई मैंने इसमें कोई डाउट नहीं है। बीजेपी के सांसद जब यहाँ कैंपेन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं टीएमसी जानबूझ के करवा रही है ये काम। नहीं, एक ही बात है, जब वो कानून तोड़ रहा है ना, इलेक्शन कमीशन का बात है कि इलेक्शन कैंपेन में 5 से ज़्यादा आदमी जाकर इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता है। कल ये हुआ है, बीजेपी का सीपीएम का आदमी लोग आया था, उसको पुलिस ने रोका, जब 5 आदमी गया उसको छोड़ दिया। 5 आदमी जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 आदमी से ज़्यादा जाने से वो तो विक्षोभ होगा ही। आरोप लग रहे हैं कि खाली आप कैंपेन नहीं करने देते हैं, कभी परमिशन या कभी कोई ना कोई दिक्कत करते हैं बीजेपी को, या फिर जो विरोध प्रदर्शन हुआ शव को लेकर, अपने नेता के शव को लेकर आए थे कार्यकर्ता जब दीदी के घर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं नहीं, वो लोग को तो खाली जाना है पेपर में छवि उठाने के लिए, टीवी में छवि उठाने के लिए ममता बनर्जी के घर में। भवानीपुर काफ़ी बड़ा जगह है जहाँ पे इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, हर जगह में कैंडिडेट लोग ममता बनर्जी के घर के सामने चला आता है और ज़्यादा आदमी लेकर आता है। और इस बार इलेक्शन जब चालू हो गया, इलेक्शन कमीशन के अंडर में पुलिस है, पुलिस रोकता है वो लोग को, ये नहीं कि तृणमूल रोक रहा है, पुलिस रोक रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो कानून, वो कानून नहीं मानने से वो लोग तो रोकेगा ही। एक सवाल बनता है कि कुणाल घोष ने ट्वीट किया ये कहते हुए, लॉकेट चटर्जी बीजेपी सांसद को धन्यवाद देते हुए कि अच्छा हुआ आप यहाँ कैंपेन नहीं कर रही हैं। हो सकता है वो भी आ सकता है हमारा पार्टी में। देखिए, आस्ते आस्ते बीजेपी का सारी आदमी चला आएगा, 2-4 आदमी छोड़ के सभी चला आएगा, क्योंकि वो लोग समझ गया बीजेपी का कोई भविष्य इस पश्चिम बंगाल में नहीं है। और एक आखिरी सवाल, तृणमूल कांग्रेस अब जगह जगह कैंपेन कर रही है, यानी कि कहीं गोवा में कांग्रेस का बंदा ज्वाइन कर रहा है तो त्रिपुरा में भी सेंध लगाई जा रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है पार्टी अब? देखिए, त्रिपुरा में तो इस बार उधर का चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी का है बहुत डर गया, इसीलिए वो रोक रहा है हमारी पार्टी को, मिशिल मीटिंग करने नहीं देता है, 144 जारी किया है। लेकिन जितना भी हम लोग के ऊपर दमन पीड़न होगा उतना ही हमारी पार्टी बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ समस्या और सबसे बड़ी चुनौती होगी इस समय भवानीपुर का चुनाव, जो अपने आप में हाई वोल्टेज ड्रामा बन चुका है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।